नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपाड़नी। पुरनहिया प्रखंड के हम दोस्तिया पंचायत में हैं। हमारे साथ देख सकते हैं बिल्कुल रंग बिरंगे यहां पर के प्रत्याशी खड़े हैं जिन्होंने चुनाव फाइट किया है, चुनाव जीत गए हैं इस पंचायत से। लगभग 45 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ है। हम बात करेंगे कि क्या कुछ किस तरह की तैयारी थी और क्या कहना चाहेंगे जनता से। सबसे पहले सुनील जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कि सबसे पहले तो हमारे दोस्तिया पंचायत ग्रामवासी को जीत की शुभकामनाएं कि हमको बहुत भारी मतों से विजय बनाया है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो समय मुझे जो मिला है 5 साल का, जो मैं बहुत अच्छा ढंग से ही उसको 5 साल पूरा करे और जनता को पूरा विश्वास के साथ काम करे। किस तरह की तैयारी थी आपकी? तैयारी तो बहुत थी और अभी है। देखिए, जनता जिस तरह से भरोसा की है तो उसका जवाब तो हम ही को ना देना है। प्लस 5 साल ऐसा नहीं है कि 5 साल ही राजनीति करना है, आगे भी मुझे राजनीति करना है। इसलिए 5 साल जनता मुझे मौका दी है, इसलिए 5 साल में बहुत कुछ करना है। कैसा लग रहा है 45 साल के बाद ये सीट आपका इस दोस्तिया में? समझिए, परिवर्तन था। लोगों का एकदम उत्साह था कि ना कि एक बार कम से कम इस गांव में मुखिया हो, इसीलिए ही सब सोच समझ के किया गया है, समझे। धन्यवाद। और सुनैना देवी है जो मुखिया कैंडिडेट है इस पंचायत से। सबसे पहले तो जीत की बधाई। मैं पूरे दोस्तिया पंचायत को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझ पर विश्वास किया है और भारी मत से मुझे जिताया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्या लग रहा है 45 साल के बाद इस गांव में एक सीट नज़र आ रहा है? हाँ, ये मेरी जीत नहीं है, मेरा पूरा जनता का जीत है। धन्यवाद करती हूँ पूरे जनता को। और सुनील जी, ये बताइए किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़े थे और प्राथमिकता क्या होगी? जनता ने एक विश्वास दिलाया है, जनता ने एक विश्वास किया है आप पर, एक मौका दिया है काम करने के लिए। देखिए, पिछले साल जो 5 साल जो बीता है कुछ काम नहीं हुआ है, समझे ना। तो हम लोग उसी को ही सुधार करना है, इसलिए हम लोग पूरा संकल्प ले चुके हैं कि नहीं, जो काम नहीं हुआ उसको पूरा करके ही देना है, समझे ना। ताकि हर एक आदमी को खुश करके रखना है। नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं दोस्तिया पंचायत से हूँ। इस बार जो जनता जो हमारे मुखिया जी को चुने हैं, पूरे 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए पूरे जनता जनार्दन और पूरे दोस्तिया पंचायत के जनता को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हैं। जिंदाबाद, 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 मुखिया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पिछले 5 सालों में जो भी काम, जो भी प्रीवियस मुखिया कैंडिडेट थी, जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, सब हमारे ये मुखिया जी कंप्लीट करेंगे। और एक एक गरीब तक जो जो सुविधा नहीं मिला है, पूरे गरीब तक, एक एक जन तक वो सुविधा प्रदान करेंगे हमारे मुखिया जी। चाहे वो नल जल का हो, इंदिरा आवास का हो, घर नाली का हो, जो भी हो, मुखिया लेवल पर जितने भी काम है, एक एक काम एकदम निस्वार्थ सेवा से किया जाएगा। इसलिए जनता ने बहुत बहुत अपना बहुमूल्य वोट देके हमारे मुखिया जी को जिताए हैं। इसके लिए पूरे समस्त जनता और पूरे पंचायत को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। जो विश्वास जताया है, अगला 5 साल नहीं, अगला 2 साल में मुखिया जी करके दिखाएंगे। इसलिए बोलना चाहेंगे, हमारे मुखिया जी पहले भी निस्वार्थ काम किए हैं, निस्वार्थ सेवा किए हैं समाज का, और आगे भी करेंगे। और हम लोग मुखिया लेवल का पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट अगला हम विधायक का तैयारी कर रहे हैं, ये समझ लिए पूरा पंचायत। नाम बताइए जी। हमारा नाम हुआ उदय कुमार। ये जीत अच्छा लग रहा है? जीत के खुशी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा तैयारी में थे? या पंचायत का जनता के नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। और हमारे मुखिया जी ने जो जनता के लिए सोचे हैं करके दिखाएंगे। और नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। बिल्कुल रंग बिरंगे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल कैसा जीत कैसा लग रहा है? जीत बहुत अच्छा से हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हम लोग बहुत अच्छा से जीते हैं, हम लोग का मेहनत बहुत अच्छा सफर हुआ। पूरा तैयारी में थे? पूरा एकदम तैयारी में थे, पूरा मेहनत सहमत से काम हुआ है, बहुत सुंदर अच्छा से हम लोग जीते हैं। इसलिए मुखिया जी के बहुत बहुत बधाई देते हुए आगे काम के लिए अपना मुखिया जी अपना तैयार है, जो भी जनता में काम का जो कमी है वो अपना काम पूरा करें, हम इतने कहना चाहते हैं। मुखिया जी को धन्यवाद। नाम बताइए। स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी, आप तो मुखिया बन गई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मम्मी आपके मुखिया बन गई, आप भी मुखिया बन गई ना? हाँ। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अक्षत कुमार सर। अक्षत कुमार, आप भी मुखिया बन गए? पापा का हाथ बटाएंगे? पापा का हाथ बटाइएगा, मम्मी का हाथ बटाइएगा, काम में सपोर्ट करिएगा ना जी। इंदिरा आवास वगैरह का फॉर्म भरने आता है ना जी।
है राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा जी, राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा जी, बोलो। तो सुनैना देवी है जो चुनाव जीत चुकी है, 73 वोट से जीत हासिल किए हैं और बिल्कुल 45 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जनता में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एचटीवी न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीला चंपाड़।